तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 ऐसे कॉमन आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में जिसे सभी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं जो VAMS कंप्लीट कर लिए हैं और क्लिनिक अपना खोलने वाले हैं तो उनको अपने क्लिनिक में ये मेडिसिन ज़रूर रखना चाहिए। तो चलिए पहले आपको बेसिक नॉलेज देते हैं कि आयुर्वेदा मतलब कैसे काम करता है। तो वात, पित्त, कफ, बॉडी में 3 दोष होते हैं, उन्हीं को बैलेंस करके ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं वो कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो आपको अपने क्लिनिक में रखना चाहिए कॉमन मेडिसिन के बारे में। तो फर्स्ट नंबर पे अपन लोग रखते हैं त्रिफला पाउडर को। त्रिफला पाउडर में आंवला, हरी तिकी और बीबी तिकी होता है। ये जो मेडिसिन होता है, इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप जो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं उनमें कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन को आप कैसे दे सकते हैं, तो आपको करना यह है रात को आधा चम्मच गुनगुने पानी में मिक्स करके खाना खाने के बाद आपको देना है 1 हफ्ते तक, तो कॉन्स्टिपेशन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। हर मेडिसिन का अपन एक ही यूज बताएंगे, वैसे मेडिसिन का बहुत सारा यूज है बट अपन एक ही यूज बताएंगे जो अपन अपने क्लिनिक में पेशेंट को देते हैं और उसका रिजल्ट जो मिला है उनको। सेकेंड नंबर पर अपन लोग लेते हैं अभिपित्तकर चूर्ण को। अभिपित्तकर चूर्ण जो है बॉडी में पित्त दोष को बैलेंस करता है। तो पित्ता को बैलेंस करने के लिए जैसे आपको गैस्ट्राइटिस है, बर्निंग सेंसेशन है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब आप अभिपित्तकर चूर्ण 1-1 चम्मच गुनगुने पानी में मिक्स करके खाना खाने के बाद दे सकते हैं 1 हफ्ते से 10 दिन। इसका रिजल्ट आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। थर्ड नंबर पर अपन लोग रखते हैं चंद्र प्रभाव वटी। तो चंद्र प्रभाव वटी अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स मिलते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक या फिर अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन है, तो आप 2-2 वटी सुबह शाम खाना खाने के बाद आप दे सकते हैं। चौथे नंबर पर अपन लोग रखते हैं गोक्षुर गुगुल। ये जो मेडिसिन है ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स में भी और जिनको स्टोन हो गया है और स्टोन की वजह से वो ठीक से यूरिन पास नहीं कर पा रहे हैं, तो ये स्टोन को क्रश करके बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इसको आपको 2-2 टैबलेट खाना खाने के पहले अगर आप देते हैं तब ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि ये गुगुल है, गुनगुने पानी के साथ आपको मेडिसिन देना है। फिफ्थ नंबर पे अपन लोग रखते हैं पुनर्नवा गुगुल या फिर पुनर्नवा चूर्ण। ये जो मेडिसिन है लीवर के लिए तो रामबाण है। लीवर का फंक्शन अगर डिस्टर्ब हो गया हो, लीवर में अगर स्वेलिंग हो या फिर किडनी में स्वेलिंग हो, क्रोनिक किडनी डिजीज़ हो या फिर एक्यूट किडनी डिजीज़ हो, ठीक से यूरिन पास नहीं हो रहा हो, इस तरीके का अगर प्रॉब्लम है तब आप पुनर्नवा गुगुल या फिर पुनर्नवा चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बॉडी में सूजन जैसा फील हो रहा हो तब भी आप पुनर्नवा गुगुल या फिर पुनर्नवा चूर्ण को 1-1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद दे सकते हैं गुनगुने पानी में मिक्स करके। छठवें नंबर पे अपन लोग रखेंगे महामंजिष्ठा क्वाथ। ये जो क्वाथ फार्मूला है ये स्किन डिजीज़ वाले जितने भी पेशेंट आते हैं उनको आपको वात, पित्त, कफ दोष के अकॉर्डिंग ही देना होता है सारी मेडिसिंस, जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिंस होती हैं। तो ये जो क्वाथ वाला फार्मूला है एक सिरप बेस्ड फार्मूला है, इसको आपको खाना खाने के बाद 10-10 ml 2 times देना है। ये आपका जो भी स्किन डिजीज़ होती है, कॉमन स्किन डिजीज़, एक्ने और टीनिया और आपका कुष्ठ हो गया, इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ये सब में आप महामंजिष्ठा क्वाथ दे सकते हैं। सातवें नंबर पे अपन लोग रखते हैं दशमूला अरिष्ट। दशमूला अरिष्ट बहुत फेमस मेडिसिन है, इसके बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। पाचन शक्ति को मजबूत करता है, तो भूख बढ़ाने के लिए आप दशमूला अरिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आप 10-10 ml खाना खाने के बाद ही दीजिएगा, बट वो भी अकॉर्डिंग टू मौसम के हिसाब से आपको देना है। अगर आपके स्टेट में जहाँ पे आप रहते हैं अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर इस मेडिसिन को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि गर्मी के दिनों में वैसे भी जो अपना मतलब डाइजेशन पावर रहता है वो ज़्यादा उतना मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, तो इसलिए आपको इस सभी बातों का ध्यान रखना है। आठवें नंबर पर जो अपन मेडिसिन रखेंगे वो रखेंगे महायोगराज गुगुल। ये जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल आप जॉइंट्स पेन पे कर सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और 9वें नंबर पे अपन लोग रखेंगे गंधक रसायन वटी। इस टैबलेट का इस्तेमाल आप अगर आपको कुष्ठ है, किसी भी टाइप का कुष्ठ है और स्किन डिजीज़ है, तो आप 2-2 टैबलेट खाना खाने के बाद दे सकते हैं। 10वें नंबर पे रखेंगे अपन लोग पुष्यांगू चूर्ण। अगर लेडीज़ में जो भी प्रॉब्लम होता है जैसे ल्यूकोरिया, सफ़ेद पानी जाने का प्रॉब्लम, तब आप इस चूर्ण को 1-1 चम्मच खाना खाने के बाद दे सकते हैं। तो 10
ये ऐसी कॉमन मेडिसिंस हैं जो आपको अपने क्लिनिक में ज़रूर रखना चाहिए, और इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिंस हैं उसको भी रख सकते हो आप, जैसे ली 52 हुआ, सिस्टोन हुआ, पाइलेक्स हुआ, नीरी सिरप हुआ, ये सभी और भी मेडिसिंस हैं जिसका आप अपने क्लिनिक में रख के अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं पेशेंट को देके। तो आज के वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस यही था कि आपको थोड़ा सा नॉलेज दिया जाए कि आप जब अपना क्लिनिक स्टार्ट करेंगे तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन अपने क्लिनिक में रखनी चाहिए। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आपके सारे डाउट्स आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। चैनल को बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।